नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपना हिंदी में कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर चल रहा था 4। कौन सा चैप्टर? 4, शब्द विचार। इसका हाफ पार्ट मैंने आपको रीड करवा दिया था, उससे आगे वाला मैं आज रीड करने जा रही हूँ। बड़े ध्यान से समझना। हिंदी भाषा अपने संस्कृत शब्दों के साथ साथ अन्य भाषाओं के शब्दों को भी इस तरह अपना लेती है कि प्रयोग के समय हम जान ही नहीं पाते हैं कि ये शब्द विदेशी हैं। आइए कुछ ऐसे ही शब्दों को देखें, पढ़ें, जो हिंदी में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा। किसके शब्दों को? हिंदी भाषा अपने संस्कृत शब्दों के साथ साथ अन्य भाषाओं के शब्दों को भी। हिंदी भाषा संस्कृत के शब्द तो हैं ही, और अन्य भाषाओं के शब्दों को भी इस तरह अपना लेती है कि प्रयोग के समय हम जान ही नहीं पाते हैं कि ये शब्द विदेशी हैं। आइए कुछ ऐसे ही शब्दों को देखें, पढ़ें, जो हिंदी में पूरी तरह घुल मिल गए हैं। भाषा शब्द। भाषा देखो, अंग्रेजी। अंग्रेजी में शब्द कौन कौन से आए हैं? मीटर, हिंदी में भी मीटर बोलते हैं और इंग्लिश में भी। मीटर, पुलिस, रेल, बस, डायरी, फुटबॉल, पेन, पेपर, ट्रॉफी, गैस, मिनट, स्कूल, क्रिकेट, फीस, कंपनी आदि। ये क्या अंग्रेजी वाले हिंदी से मिलते हैं। फिर है तुर्की व पुर्तगाली। तुर्की भाषा और पुर्तगाली। गोदाम, कनस्तर, गलीचा, तौलिया, कारतूस, तिजोरी, कैंची, साबुन, कमीज, तोप, चाबी, फीता आदि। अरबी व फारसी। उस्ताद, गरीब, मतलब, आसमान, कैदी, नकल, हाजिर, कदम, अकल, खत, कलम, जहाज, शादी, चश्मा, अमीर आदि। फ्रेंच, कार्टून, पुलिस, इंजीनियर, कूपन, अंग्रेज आदि। संकर शब्द। दो भाषाओं के मेल से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संकर। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। जैसे हवा। हवा क्या है? हिंदी। दार क्या है? फारसी। तो हवा दार, मूल शब्द अपना क्या बना? हवा दार। जन्म, संस्कृत दिन, हिंदी, यानी कि जन्मदिन। रेल, अंग्रेजी, गाड़ी, रेल गाड़ी। लाठी, चार्ज। लाठी क्या है? हिंदी का वर्ड है। चार्ज क्या है? अंग्रेजी का। लाठी चार्ज। ये संकर शब्द हैं। संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, शब्दों की रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। शब्दों की रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तीन। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द फर्स्ट कौन सा है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे शेर, शब्द का खंड करें तो शेर प्लस र, ये अर्थहीन खंड है। अर्थहीन यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं, बिना अर्थ के। यौगिक, यौगिक का अर्थ है योग से बनने वाला। यौगिक, योग से बनने वाला। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं।
यौगिक के क्या होते हैं? सार्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। अगर अर्थ निकलेगा तो खंड अपने आप ही बन जाएंगे। जैसे पाठशाला राजकुमारी, पाठ प्लस शाला पाठ का घर, राजकुमार प्लस कुमारी अर्थात राज्य की कुमारी। योग रूढ़ शब्द, कौन से शब्द आ गए अब? योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द का अर्थ है योग प्लस रूढ़, यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देने वाला। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। देखो कैसे, प्रयोग के दशानन, दशा चित्ता देखो किसका है, दशानन। दशानन कौन है? दस मुँह वाला। दशान दस मुँह वाला, दस मुँह वाला कौन था? रावण। कौन था? रावण। रावण के कितने मुँह थे? दस। दशा प्लस आनन, दशानन। फिर है हिमालय, हिम प्लस आलय, हिमालय। चित्र में एक तो रावण का चित्र है, एक हिमालय का। हिम प्लस आलय, हिम का आलय, यानी कि एक विशेष पहाड़ के लिए, यानी कि ये क्या है हिमालय? एक विशेष पर्वत है। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द लिंग वचन कारक तथा काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। अब आगे प्रयोग के आधार पर तो ये दो होते हैं और अब विकारी शब्द आगे कितने होते हैं? चार प्रकार के। विकारी शब्द की एक बार फिर से डेफिनेशन, जो शब्द लिंग वचन कारक तथा काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा लड़का लड़के आदि, सर्वनाम मैंने, मैं, मैंने, मुझे, हम आदि। विशेषण पीला पीले पीली आदि। क्रिया जा जाना जाए आदि। ठीक है, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें क्या होता है? अविकारी जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। विकारी भी चार के और अविकारी भी चार प्रकार के। कौन कौन से? ये सब आगे आपके आएंगे। संज्ञा सर्वनाम आपने पढ़ाई हुआ है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अब उससे आगे अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक आदि। क्रिया विशेषण कौन से हैं? ऊपर धीरे शीघ्र आज इधर आदि। संबंध बोधक के आगे के ऊपर के नीचे आदि। समुच्चय बोधक या और क्योंकि और किंतु आदि। विस्मय वाह शाबाश हाय आदि। इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। अब है अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर ध्यान से पढ़ना है। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द
निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक शब्द वो जिनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक में देखो, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विपरीत आर्थक शब्द, विपरीत आर्थक यानी कि विलोम शब्द, सार्थक शब्द। बस इस बात में, इस बात का ध्यान रखना है कि जिनका कोई अर्थ निकलता है वो सार्थक शब्द होते हैं, जिनका अर्थ नहीं निकलता वो निरर्थक शब्द होते हैं। सार्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे बोतल, जानवर आदि। सार्थक शब्द के चार भेद होते हैं, सार्थक शब्द के चार भेद होते हैं। एक अर्थक शब्द, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, एक अर्थ वाला, अर्थात वे शब्द जिनका प्रयोग एक अर्थ के लिए होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे हिंदी, कंप्यूटर आदि। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक अर्थ है अनेक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग एक से अधिक अर्थ के लिए होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अंक, संख्या गोद नाटक का भाग, काल समय, मृत्यु आने वाला या बीता हुआ कल। समानार्थक शब्द, समानार्थक का अर्थ है समान अर्थ वाला, अर्थात वे शब्द जो किसी समान अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे कमल, पंकज, सरोज, राजीव। जल, पानी, नीर, अंबु, ये सब क्या है? पर्यायवाची। कौन कौन से? कमल और जल। हिंट दे रखे हैं इन्होंने, आगे ये सब टॉपिक आएंगे आपके। विपरीत अर्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। विपरीत अर्थक का अर्थ है विपरीत अर्थ वाला, अर्थात वे शब्द जो परस्पर उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीत अर्थक या विलोम शब्द कहते हैं, जैसे राजा, रंग, अमीर, गरीब आदि। निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे तबेल, बजानर आदि। ठीक है, ये था आपका चैप्टर, ये आपका पूरा हो गया। कल मैं आपको इसका अभ्यास करवाऊंगी। धन्यवाद।